नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं प्रमोद राठौर और आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज विद प्रमोद राठौर। साथियों, आज का ये वीडियो हमारे बहुत से साथियों को खराब लगने वाला है। वो ये कहेंगे कि फिर से इन्होंने कंपनी बदल ली, फिर से इन्होंने ये किया वो किया, बहुत तमाम तरीके की बातें करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। यह वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है ये वीडियो। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया बैलगाड़ी ही ठीक थी, हमारे बब्बा का कहते कि गन्ना लाद के ले जाते तक पे तो वे लाद लेते गन्ना ऊपर पर के सो जाते, और बब गाड़ी जो बद थे वे पहुँचा देते उन लोग और फिर उन गन्ना उतार दे देते, फिर आराम पर के सो जाते, बद घर लाए गाड़ी ठाड़ी कर देते। ऑटो पायलट गाड़ी आती भैया, हमें ना ही जरूरत बुलेट ट्रेन की। अब हम आपसे जा कहें भैया कन्याकुमारी चले जाओ, ले जाओ अपनी बैलगाड़ी, कई साल लगे हैं पहुँचवे में, आप और आपके जो बैलगाड़ी है, जो बद हैं आपके, वे सब थकियार गिर पड़े हैं। आज समय की कमी है, हमारे पास समय नहीं है। अगर हम समय को यूं ही जाया करते रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज ज़रूरत है हमें ट्रेन की नहीं, बुलेट ट्रेन की ज़रूरत है। और भैया कुछ समय पहले की बात है, लोग जका देते कि एक ऐसो खटोला बने है लोहे को जो हवा मुड़े, तो लोगों ने बड़ी हंसी बनाई उनकी। आज देखो भैया जेट विमान चल रहे हैं जिनमें लोग पलक झपकत खन निकल जाते, तो लोग भैया उस समय हंस रहे थे और आजाओ आप पे हंसे हैं। अगर आप बदलाव करें अपनी ज़िंदगी में तो कुछ लोगों ने जा कही थी कि भैया उस समय बस चौंगा वाले फ़ोन चलते थे, वेटरिंग ट्रिंग वाले, तो जा कही कि ऐसे फ़ोन आए हैं जिनमें बिना तार के दिल्ली में बैठे के मुंबई में बात हो जाए। तो लोगों ने कह रहे ससुर जो तो पागल हुई हो, आई तो कछू नहीं हो जाए। अब आज देखो भैया घर घर एक एक नाई दो दो चचर मोबाइल हैं, का उनमें कहूँ तार लगत है। जब गैस को सिलेंडर आओ तो लोगों ने जाके यारे जाओ सारो घर में आग ही लगे, लकड़ियाँ जरावो, चूल्हो जरावो, कंडा जरावो, गैस वैस मत ही लावो। आज जब बताओ भैया बिना गैस के सिलेंडर के घर में रोटी होते आपके? ना ही होते। नोकिया हर आदमी हर नेता जेम धर के घूमे तो बड़ी शान से कात तो कि भैया जो नोकिया का मोबाइल है हम पे, और लोग कहते अरे यार बापा नोकिया का मोबाइल है। जब टच वारो मोबाइल आओ तो नोकिया जाके हम बदले ना भैया, हम तो अपनों बटने वारो रखे हैं, तो कहा नोकिया आज कहूँ पे है, कहूँ पे दिखाई पा तो कहूँ कि हाँ तुम नोकिया मत ही बोल दो भैया। अम्बेसडर कार थी उस समय, बड़े नेता मंत्री चलते थे अम्बेसडर कार में, पीछे लिखो तो पावर ब्रेक, लोग कहते जामा यार कोई मंत्री जाए रहो, कोई अच्छो अधिकारी जाए रहो, ना ही बल दी उनने नेता लोगों ने वह कार बदल दी। वह महंगी कार कहाँ चली गई आज कहूँ दिखाई पत्ते हैं, जावा की HD मोटरसाइकिल लती, दोनों सलेंसर लगे होते मार भटभट करता आदमी निकल जा, तो राजदूत मोटरसाइकिल लती मार शांत आदमी मूछ हेडी चलाऊ, तो उनने ना ही बल दी कहूँ दिखाई पत्ते HD मोटरसाइकिल और राजदूत मोटरसाइकिल। बुलेट बाहू जमाने में चलती थी इनफील्ड इंडिया, मार लोग किक मार देते तो मार 14-14 किक मार देते चालू ना होती कहूँ प्लस माइनस कर पत्ते, तो उनने क्या काम करो अपने जो टेक्नोलॉजी थी वह बदल दी बुलेट वाले ने। आज देखो भैया नए नए लड़का मार पटपटाओ फिर सब सलेंसर बंदवा दे तो मार दाएँ दाएँ करते फिर, क्योंकि बुलेट ने अपने आप को बदला। जिसने अपने आप को बदला आज वो चल रहा है। अरे कुदरत भी कहती है यार कि समय के साथ बदलना सीख लो, अगर तुम्हें नहीं पता तो हमसे सीख लो। पेड़ देखो पेड़ ने कहो पत्ता आउत है फिर पीरे पत्ता हो जाते, पत्ता झड़ जाते हैं फिर नए पत्ती निकल आती मामा, क्या वो आपको बदलने की तरफ इशारा करते या नहीं करते? कुदरत भी कहती है। अब हमें जा बता दो कि अगर 12 महीना भी ठंडे पेल दें भगवान जी फिर क्या करे हो, जिंदा रहे होगा? या 12 महीना गर्मी है या 12 महीना पानी ही मसा उतना है, तो क्या एक जैसा अगर रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे? बदलाव जरूरी है। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में MLM में भी बदलाव जरूरी है। MLM के जो गुरु हैं
जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपको सिखाते हैं कि 5 साल तक मेहनत करो, जम के हिलना नहीं। और हम ये पूछ रहे हैं तुमसे कि 5 साल यार किन्ने देखे, 5 साल में तो बाल बच्चा मार मार लात निकाल दिए। अब आज की पोजीशन जा है एमएलएम लीडर ने कि सुन ले कान खोल के, घर वाले निकम्मा का था का जो ससुर जोहरा टांग के निकल ले तो, अब संजा घर आओ तो रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे अब पर के सोई जाते, 2 पैसा पैदा ना कर जा सचुत खेत में काम करे, जा सचुत मजूरी करे, जा सचुत कहूँ दुकान पर नौकरी कर ले तो बंदा जब तू मिले। बिल्कुल वो सही कहते हैं, ऐसा ही है। आजकल के समय में कंपनियां क्या करती हैं साहब, पुराने पैटर्न के हैं, बार बार प्लान चेंज, आपकी इनकम को घटा के कहां पर रख दिया, प्रोडक्ट के रेट को बढ़ा के कहां पर रख दिया। EMD CMD अगर आप नेको हुए हले तो तुम्हारी आईडी ब्लॉक, हटो पीछे आईओ मैसेज तुम्हारी आईडी ब्लॉक। प्रोडक्ट महंगे करो आप हैं, प्लान चेंज करो आप, तब लीडर ने पूछा तो भैया हम प्लान चेंज करने वाले हैं, हमें राय दो। जहां पर तुम 2 लाख 2.5 लाख की इनकम कर रहे थे महीना में, अब तुम्हारी 5,000 की नहीं आ रही। लेकिन ना साहब, कुछ लोग तो जाकर आते हैं भैया हम सही हैं। हमने एक जने से पूछी भैया तुम्हें कितनी इनकम आ रही, बोले हमें तो इनकम आ रही भैया, हमने कितनी आ रही, बोले 175 रुपया जाऊँ महीना आए। अब हमने उनसे पूछी भैया पेट्रोल तुमने कितनी फूंकी दी, कहे पेट्रोल फूंकी 2-3 हज़ार रुपया की। हमने महीना 30 दिन घूमत रहे बनाने भाई, कहे हाँ घूमत रहे, रुपया 175 आए, कहाँ साहब हमारा रुपया उठवाओ 175 को। तो भैया एक बात जब बता दो, अखबार अगर ले तो बाबू 250-300 रुपया आओ तो यार महीना 175 रुपया का उड़े हो कि बिछे हो है। अगर तुम 5,000 की पेट्रोल खर्च करके, 10,000 की पेट्रोल खर्च करके, अगर 5,000-10,000 को आपको पे आउट आइयो जा तो है, तो भैया का बात है BMW मर्सिडीज जगुआर आएगा तुम्हारी। दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आता है वो 1,000-2,000-10,000 कमाने नहीं आता, उसके भी सपने होते हैं एक अच्छे घर के, एक अच्छी कार के, लग्जरी लाइफ के। कितने लोग पूरा कर रहे हैं, गिने चुने लोग जो कंपनी के टच में हैं, बाकी के क्या कर रहे हैं, बाकी के सिर्फ फील्ड में भाग रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं और लोगों को जो ऊपर बैठे हैं उनको कमा के दे रहे हैं। आज जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आपको, जो डिसेंट्रलाइज हो, जिसका ना कोई मालिक हो, ना बार बार प्लान चेंज होने का लफड़ा हो। आज ऐसे बहुत से प्लान ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर उनको चेंज करना, अपडेट तो किया जा सकता है लेकिन उनको चेंज नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ डाला तो जा सकता है लेकिन निकाला नहीं जा सकता, एड तो किया जा सकता है लेकिन एडिट नहीं किया जा सकता। और ऐसे प्लान आज मार्केट में हैं, पूरा महीना आप भागते हो पे आउट आता है 1,500 रुपये का, 30 दिन के बाद पे आउट आता है, बीच में ज़रूरत है तो क्या करोगे। आज ज़माना बदल रहा है, तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और आप हो कि भैया ना ही हम तो यार बैलगाड़ी रखे हैं भैया, बुलेट ट्रेन कहूँ लड़ गई तो, जो हवाई जहाज कहूँ गिरी हो तो है, हमें तो भैया जय चाहिए। तो भैया जो लोग बैलगाड़ी चलाना चाहते हैं वो इस वीडियो को पॉज करते हैं, नहीं देखें। और हमें मालूम है कि आप कमेंट्स भी बड़े भद्दे भद्दे करोगे यार, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कमेंट करना जैसे मर्जी हो वैसे करना, लेकिन अपने दिल पे एक बार हाथ रख के ईश्वर को, ऊपर वाले को, अल्लाह को, वाहेगुरु को हाजिर नाजिर मान करके एक बात ये जरूर अपने आप से बोलना। किसी ने कहा है कि कभी मौका पड़े तो अपने आप से नजरें मिलाकर बात कर सकें, दूसरे लोगों से तो झूठी नजरें आप मिला सकते हो लेकिन अपने आप से नहीं। कि कमा कितना रहे हो, क्या इतना कमा रहे हो कि आज के समय में अपने परिवार का भरण पोषण कर सको। अगर इतना कमा रहे हो दोस्तों, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कमा रहे हो तो समय के साथ बदल जाओ, नहीं तो समय तुमको बदल देगा। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो इंस्टेंट पेमेंट देते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर हैं, कभी भी उनमें बदलाव का कोई भी झंझट नहीं है,
तेल साबुन मंजन नहीं बेचना है। अगर ऐसे ही किसी प्लान को आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं नहीं कहता कि आप मेरे साथ कोई प्लान करिए, लेकिन हाँ, एक ऐसे प्लान के साथ जरूर करना जो उंगली पकड़ के आपको मंजिल तक पहुंचा सके, अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज ना करे। दोस्त, कुछ लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक मारिए, और जो कमेंट्स करना चाहते करिए, और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जहां से हम कम समय में, वो 5 साल का जमाना गया, अब हमें डेली की जरूरत है। अगर दूध लाना है भैया तो 60 रुपया 70 रुपया हमको चाहिए आज, नहीं तो कल दूध वाला दूध नहीं देगा, उधार उधार होना बंद हो गया है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, अपने फैमिली की नज़रों में निकम्मा नहीं बनना चाहते हो, तो अपने आप को बदल डालिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से बिना लायबिलिटी के डेली का, घंटे का, मिनट का, जितना कमाना चाहते हो कमा सकते हो। तो दोस्त, जिन भाइयों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, एक बार अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।